सर, एक लड़की आई थी और इन साहब का पूछ रही थी। मेरा पूछ रही थी? कौन 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 थी और क्या पूछ रही थी? यही के पास साहब कौन है और ये शोरूम किसका है? और मेरे बारे में क्या बताया तूने? मैंने बता दिया कि तारिक जमान साहब इस शोरूम के मालिक हैं और आप उनके एक अच्छे दोस्त हैं। यार तुम्हें क्या जरूरत थी उसे कुछ बताने की? उसे मेरे पास ले आते। सॉरी सर। अच्छा बस जाओ यहां से। इधर पूछ नहीं सकता था। जाओ यहां से। अब क्या होगा यार? फिर होना क्या है? एक ना एक दिन तो ये पोल खुलनी थी, किसी ना किसी के मुंह से तो बकवास निकलनी थी ना। सिचुएशन तो बहुत मुश्किल हो गई है यार। सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो जाए, बस उसे संभालना आना चाहिए। हाँ यार अच्छा है वैसे, तू एतमाद में लेकर उन्हें सच्चाई बता दे। आखिर हमें ज्वेलरी भी तो वापस करनी है, मेरी जमानत पर ली है, मुझे उसकी फिक्र है। देख तेरी ज्वेलरी कहीं नहीं जाएगी, 3 महीने का टाइम लिया हुआ है ना, वापस कर दूंगा मैं, भरोसा रख। एक तो बंदे पता नहीं कैसे कैसे रखे हुए हैं तूने, पता नहीं अभी वहां क्या हो रहा होगा। चलता हूं मैं, फिर मिलते हैं। चलो चल जा। देख यार हरीम, हरीम क्या हुआ बेटा? हरीम बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं भाभी, कोई बात जरूर हुई है, इसकी आंखों में आंसू थे। मुझे तो इस लड़की का कुछ पता नहीं चलता। भाभी कोई गड़बड़ जरूर है। रात को तो बिल्कुल ठीक थी, नादिया के घर खुश खुश थी, और अब फहद के घर जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गई? मेरा दिल रात से ही कांप रहा था भाभी, जरूर कोई ऐसी वैसी बात है। आप जाए ना जाके पता तो करें, देखे तो सही हुआ क्या है। ज़ाहिदा तुम्हारे सामने पूछा तो था मैंने हरीम से। मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अचानक से ये कहाँ गई थी और अब इस तरह से आकर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? हरीम ने आपसे क्या कहा है? कुछ नहीं, वो तो कुछ बता ही नहीं रही, बस इतना कहा है कि होटल से तुम उसे यहाँ छोड़ गए। जी बिल्कुल, मैं ही छोड़ के गया था, पर वो एक जरूरी काम आ गया तो मुझे जरा जाना पड़ा। मुझे बताओ, अगर तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है तो मुझे बताओ बेटा। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाकी आप तो हरीम को जानती हैं, कितना बचपना भरा है उसमें, बस जिद लगा के बैठ गई कि आज मुझे काम पे नहीं जाने देगी। एक इमरजेंसी आ गई, दोस्त का फोन आया तो मुझे जाना पड़ा। वो मेरी गाड़ियों की इंश्योरेंस का थोड़ा प्रॉब्लम था, बस मैं गया तो वो नाराज हुए। पर आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं बस अभी 2 मिनट में मना लूंगा उसे, परेशान नहीं। ठीक है। बाबा ऐसे क्यों बैठी हो मुंह बुला के? बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, स्माइल करो। तुम्हारी हकीकत अब मुझ पे खुल चुकी, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। कौन सी हकीकत है और कौन सा झूठ? अरे मैंने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला है। मैं खुद तारिक जमान के शोरूम गई थी। शोरूम गई थी क्यों? तुम्हें शोरूम जाने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ झूठे हो, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया, तुमने मुझे धोखा दिया। सच्चे दिल से मैंने भी तुमसे प्यार किया है, पर ये पहेलियां बताने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना है ना साफ साफ कहो मुझसे, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा कोई शोरूम नहीं है और तुम तारिक जमान के बिजनेस पार्टनर भी नहीं हो।
यार ये तो नई खबर है, और किसने दी तुम्हें ये ब्रेकिंग न्यूज़? हाँ वहाँ के पुराने मुलाजिम कासिम ने बताया मुझे ये सब। कौन सा पुराना मुलाजिम कासिम? हाँ सारे मुलाजिम तुमने खुद रखे, एक एक को मैं जानता हूँ। जावेद जो है वो गाड़ियों का ख्याल रखता है, शेख जो है वो फ्लोर का ख्याल रखता है, और कासिम कौन है? और जो भी है ये कासिम उसने कहा गया है तुमसे? मुझे सब बताया, उसने कहा कि वहाँ का मालिक सिर्फ तारिक जमान है और तुम उसके कोई मानने नहीं हो। दिल तोड़ दिया तुमने, इतना दुख दिया है ना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मैं अब ये हालात आ गए हमारे रिश्ते के कि तुम दो दो टके के मुलाजिमों से जाके पूछोगी कि मैं कौन हूँ और क्या नहीं। हाँ तो मैं क्या करूँ, किससे पूछूँ? तुम भी कोई बात मुझे वाजे नहीं बताते हो, क्या करूँ मैं? अरे मैं क्या तुम्हें वाजे करके बताऊँ जब तुम्हें मुलाजिमों पर ज्यादा यकीन है मुझसे। और तुम सारी बातें छोड़ो, तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ क्या तुमने उसको ये बताया कि तुम कौन हो, मतलब तुम मेरी बीवी हो या कौन हो, बताया उसे? नहीं। जी, तो बस यही वजह थी, इस वजह से उसको तुमसे झूठ बोला। तुम्हें डिटेल कैसे बताता वो? हमें इनकम टैक्स रेट का डर है, इसीलिए हमने सारे मुलाजिमों को मना कर रखा है कि किसी भी आने वाले अजनबी के साथ ऐसी वैसी कोई बात नहीं करें। अगर तुम उससे पूछती ना कि जमान मालिक है या मैं, तो वो बोलता कि नहीं जमान नहीं मैं मालिक है, और तुमने मेरे बारे में पूछा इसलिए वो तुम्हें बोल रहा था कि जमान मालिक है। नहीं, यही बात अली भाई ने भी मुझे पहले बताई थी, तब मैंने उनका यकीन नहीं किया। उनको भी तो किसी ने खबर दी होगी ना। अरे किसने खबर दी होगी? अली भाई तुम्हारे बड़े बीबीसी के रिपोर्टर है, जो भी पता लगेगा वो सही होगा। और मैं तुम्हें क्या समझाता हूँ जो मेरी बात का यकीन ही नहीं है, सिर्फ मुलाजमों की बात का यकीन है। देखो हरीम, तुम हो जमींदार टाइप लोग, तुम लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है। वी बिजनेसमैन पीपल हैव डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, ये हमारे टेक्टिक्स हैं। हमें इनकम टैक्स का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम मुलाजमों को समझा के रखते हैं, पर ये सारी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम जमींदार हो, मैं बिजनेसमैन हूं। पता नहीं क्यों इस पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा तुम पर। फहद, हमारे रिश्ते में अब गिरा लग चुकी है। मेरी आंखों में देखो, क्या मैं झूठ बोल सकता हूं तुमसे? वहां तो काफी वेल स्टैब्लिश निकला, हम वैसे ही उस पर शक कर रहे थे, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं जैसा हम उसको समझ रहे थे। He's good. शायद इसीलिए मुझे हरीम ने घास नहीं डाली थी। खुदा का शुक्र है कि हरीम ने बिल्कुल सही फैसला किया, वरना हम तो बहुत डर गए थे। लेकिन हम इसलिए भी शक कर रहे थे ना क्योंकि फहद ने अपने किसी फैमिली मेंबर से नहीं मिलवाया हमें। लेकिन अब बात समझ आती है, उसके सारे घर वाले अपने बिजनेस के कामों में इतना बिजी होंगे, कोई कहां, so I can imagine. But one thing I really like about him, उसका decision power. And I hope कि वो अपने रिश्ते को भी बहुत अच्छे तरीके से निभाएगा, तो हरीम को भी खुश रखेगा। खुदा करे ऐसा। साथिया, जाओ बेटा बुला कर लाओ। फहद क्या यहाँ हमारे घर में रहेगा? पता नहीं, ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती ये हरीम और फहद के दरमियान क्या चल रहा है। पता है स्कूल और कॉलेज में मैं हमेशा अपने सच बोलने की वजह से मशहूर रहा, कभी झूठ नहीं बोला। मैं जाने दो, कसम से जो भी कहा ना तुमसे सब सच कहा है मैंने। आई सुबह नीचे जाके आंटी से बात भी करनी है ना, वो क्या है दो चार दिन की बात है, तो मैं सोच रहा था मैं यही ले लेता तुम्हारे पास। क्या? अरे मतलब अब मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूं ना, यानी जस्ट अबाउट 2-3 डेज यार, कहां होटल में फुहार होते फिरेंगे, घर है अपना, फैमिली के साथ रहेंगे। तुम क्या कह रहे हो? जरा सोचो, मेरे घर वालों के सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी? देखो फहद, मैंने लोगों को बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारी हुई है। अरे डींगे मैं संभाल लूंगा ना, बस 2-4 दिन की बात है। लेकिन
हरीम खाना लग गया, अम्मी बुला रही हैं। आ जाओ खाना खा लो। आ रही हूँ। आ रहे आ रहे। जरा थोड़ी हालत वाले दुरुस्त कर लो, नीचे जाके अम्मी से बात करोगी ना? आ बेटा जी, फहद भाई जी, थैंक यू। अरे बेटा कुछ डालो ना अपनी प्लेट में, ये लो हरीम डाल के दो ना। मैं कोई तकल्लुफ नहीं कर रहा आंटी, मैं ले लेता हूँ, थैंक यू। क्या बात है, तुम दोनों कुछ परेशान लग रहे हो, कोई बात है तो मुझे बताओ बेटा। नहीं नहीं आंटी, कोई परेशानी नहीं। नहीं नहीं अम्मी, आप खामखा ही परेशान हो रही हैं, ऐसे तो कोई भी बात नहीं है। फहद, जब तुमने फोन करके मुझे बुलाया था ना, मैं तेजी से घर से चली गई, अम्मी को बता ही नहीं पाई। ओ अच्छा अच्छा, तो तुम फहद के साथ थी? जी अम्मी, फहद मुझे अपने घर। प्लीज मेरे दादाजी, मैंने तुम्हें टूट कर जाया है, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, जो भी सच है तुम मुझे बता दो। फहद मुझे अपने घर, हमारा घर दिखाने के लिए ले गया था। तो अब तुम लोग वहीं जाओगे? अभी नहीं अम्मी, वो ना वहां काम चल रहा है, किचन का काम हो रहा है। जी वो दरअसल हुआ क्या आंटी, मैं इतनी एक्साइटेड थी शादी के लिए, मैं रेनोवेशन टाइम पे शुरू नहीं करा सकता। वैसे तो मेरी जब उनसे बात हुई थी तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 6-7 दिन का ही था, लेकिन मजदूरों को तो आप लोग जानते ही हैं, कभी टाइम पे काम पूरा नहीं करते। अभी बस 1-2 हफ्ते लगेंगे, फिर सब सही हो जाएगा। हरीम, तुम अपने घर में बेटा ऐसे ही चली गई खाली हाथ? क्यों? अरे बेटा, नए घर में जब जाते हैं ना तो कुरान शरीफ लेकर जाते और पानी लेकर जाते, ऐसे थोड़ी चले जाते मुंह उठा के। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरी अम्मी भी ऐसा ही कहती थी। अब अगली बार जब हम जाएंगे ना तो आपको साथ लेके जाएंगे। बेटा तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? तो 6 कमरे हैं जी, 6। पानी दूं तुम्हें? 4 नीचे हैं जी, नहीं 4 ऊपर हैं, इनफैक्ट 2 नीचे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो हरी मैं काम करता हूँ, मैं खाना खत्म करता हूँ जल्दी और फिर निकलता हूँ। अरे बेटा अब तुम कहाँ जाओगे? ना क्या यार, किसी होटल में चला जाऊंगा या किसी दोस्त के पास चला जाऊंगा। नहीं बेटा, होटल या किसी दोस्त के पास जाने की क्या जरूरत है, तुम यहीं रह जाओ ना हमारे पास। मैं मानती हूँ हमारा घर जरा छोटा है, लेकिन बेटा जो भी है तुम्हारे लिए हाजिर है। कैसी बातें कर रही हैं आप, अब तो मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ और घर घर तो आपका बहुत खूबसूरत है, अगर आप इतना कह ही रही हैं तो
तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। वैसे भी एक दो हफ्ते में घर का काम तो पूरा हो ही जाएगा। तो बस फिर बेटा, इसे अपना ही घर समझो। हरीम, मैं कल सुबह वापस गांव जा रही हूँ। जब तुम अपने नए घर में चली जाओगी ना, मैं आऊंगी तुमसे मिलने के लिए और तुम्हें नए घर की मुबारकबाद देने के लिए। हाँ जी, क्यों नहीं, आप लोग नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? वैसे आप हमें गांव नहीं बुलाएंगी, हमें तो दावत ही नहीं दी आपने। बिल्कुल, क्यों नहीं, वो मैं जरा जाऊं, मुझे सामान बांधना है। बेटा खाना तो खा लो। अरे नहीं भाभी, वो मुझे काफी ज्यादा सामान। देखा तुमने, आंटी ने खुद ही घर में रहने की कितने प्यार से इजाजत दे दी, तुम खामखा में घबरा रही थी। अभी क्या हुआ है? अब ऐसे चुप चुप क्यों बैठे हो यार, हुआ क्या? हाँ देखो, अगर तुम्हें मेरा यहाँ पे रहना इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो बता दो मुझे, नहीं रहता मैं यहाँ पे। मुझे तो अपना रहना भी अच्छा नहीं लगता। कितनी खुश थी मैं कि शादी के बाद मैं अपने घर में चली जाऊंगी, कि मेरा घर है कहाँ और है भी या नहीं। अरे क्यों, और लोग इतनी मनुष मायूस बातें करती रहती हो तुम। मायूस बात, तुम्हें नहीं पता इस वक्त मेरे दिल की हालत क्या हो गई है। वो तो अम्मी के सामने मैंने तुम्हारा भरम रखा, ये तक कह दिया कि मैं अपना घर देख आई, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता। प्लीज मेरे दादा समझ, मैंने तुम्हें टूट कर चाहा है, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, जो भी सच है तुम मुझे बता दो, तुम्हारा शोरूम है या नहीं, घर है या नहीं, क्या सच है क्या झूठ है तो मुझे बता दो। कभी कभी तो लगता है कि सब सच है और फिर दूसरे पल लगता है कि कुछ भी सच नहीं है। बाहर मैं तो सच और झूठ के बीच में खड़ी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोलती जा रही हो। अगर अगर तुम मुझे अभी कहोगे ना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, सह लूंगी, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। हरी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। फहद, ना मत आजमा, बता दो। अरे मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं रोज एक ही जवाब कैसे दूं तुम्हें। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अदालत में खड़ा हूं और कटहरे में खड़ा हूं और तुम मेरी ऑपोजिशन वाली वकील हो। बार बार एक ही सवाल, बार बार एक ही सवाल। सच भी बोलूंगा ना तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा शायद झूठ बोल रहा हूं। देखो एक बार ना अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, जो जवाब आएगा वही सही, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगा। गुड नाइट। देखो तो एक ही सवाल, एक सवाल, बार बार एक ही जवाब, एक जवाब। गुड नाइट। महकेगा
अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं पूरा दिन आपके साथ रहूंगी, अली शाम को लेने आई हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। कैसी आपकी तबीयत? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? बिल्कुल ठीक। अच्छी लग रही हैं। हरीम कैसी है, सेटल हो गई अपने घर में? वो दोनों यही है, हरीम के कमरे में। वो क्यों, आपने पूछा नहीं? पूछा था भाई, कह तो यही रहे कि घर की रेनोवेशन हो रही है, पता नहीं क्या। हाँ तो हो रही होगी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात? परेशानी की बात तो है, मुझे तो लगता है नादिया कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिसका हरीम को तो पता है लेकिन वो हमसे शेयर नहीं करती। मैंने हरीम का ये रूप पहले कभी नहीं देखा, मुझे तो लगता है कोई ना कोई ऐसी बात है जो वो अंदर ही अंदर घुल रही है। आपका वहम है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। हाँ शुरू शुरू में मुझे और अली को भी फहद पे शक हुआ था, फहद से मिलने के बाद वो शक दूर हो गया। इन फैक्ट असद और अली को फहद बहुत अच्छा लगा, उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। खुदा करे ऐसा ही। आप हरीम के लिए हमेशा से परेशान होती आई, उसके उल्टे सीधे फैसलों की वजह से अब आपका दिल उससे बदगुमान हो चुका, इसलिए आपको यकीन ही नहीं आ रहा। सच तो ये है कि गलती से पहली बार हरीम ने सही फैसला किया। तो फिर वो खुश क्यों नहीं है, उसकी आंखों में गहरी उदासी क्यों है? ऐसा लगता है कोई बात अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही है। अरे पता नहीं आप ऐसा क्यों कह रही हैं, हमारी दावत के दिन तो हरीम बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मेरा यकीन करें, अगर फहद बुरा लड़का होता तो अली और असद कब का पहचान चुके होते। फहद अपनी इंटेंशंस में बहुत क्लियर लग रहा था। यार बीवी को तो शीशे में उतार लिया तुमने, लेकिन लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, क्या ससुराल में ही रहोगे? यार हरीम का उसके घर पे पूरा हक है और मेरा हरीम पर। फिर भी फहद अच्छा नहीं लगता यार। यार अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, और मैं पूरी जिंदगी लोगों के साथ रहने वाला भी नहीं हूँ। और जब तक कोई परमानेंट सलूशन नहीं निकला था, मेरा कोई परमानेंट ठिकाना नहीं बन जाता, तब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक मजबूरी है। और तुम अपने पैरों पर कब खड़े होगे? बहुत जल्द, एज सून एज हमें हमारी जायदाद मिल जाएगी मैं अपना कारोबार शुरू कर लूँगा। और तब तक तुम अपने और अपनी बीवी के अखराजात कैसे पूरे करोगे? भाई देखो मेरी मानो, कोई छोटा मोटा काम पकड़ लो। अरे यार छोटा मोटा काम मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होता, हम तो पैदा ही बड़ा काम करने के लिए होता। तो फिक्र नहीं कर, मैं जल्दी गांव जा रहा हूं और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी जायदाद हासिल कर लूंगा। क्या बात है, आप लोग चुप क्यों हैं? बोले भी। करीब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हें हौसले से सुनना होगा। हौसला है तुम्हें? हाँ, है हौसला। हरीम मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं? हाँ बैठ जाओ। अम्मी बता रही थी कि तुम अपना घर देख आई हो, कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो हरीम, मैं तुम्हारी बहन, मुझे बताओ फहद के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं परेशान उसी की वजह से। अच्छा क्या बात? मुझे ऐसा लगता है कि फहद मुझे
झूठ बोलता। मैंने उसका घर भी नहीं देखा, ये भी नहीं पता कि उसके पास घर है भी या नहीं। नादिया तुम प्लीज मेरा एक काम कर दो, तुम अली भाई से कहो कि वो अपने तौर पे कोई मालूमात करे। हाँ मैं अली से बात करूंगी। अली वो हरीम ने मुझसे कहा है कि आप फहद के बारे में मालूमात कर लें, वो शोरूम में पार्टनर है भी या नहीं। But why? मेरे ख्याल से जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो तो खत्म हो गई है ना। He's a true professional businessman. अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। I don't know why Hareem is saying that. प्लीज जरूर कोई गड़बड़ है, आप प्लीज दोबारा मालूमात कीजिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन निकलवाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट प्लीज बी श्योर अगर फहद को पता चला कि हरीम उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। अली हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर हरीम यहाँ तक सोच सकती है और वो मुझसे कह सकती है तो जरूर बात बहुत बढ़ गई होगी। ठीक है, मैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेता हूँ, सारे सबूत इकट्ठे कर लेता हूँ। खुदा क्या हुआ अली भाई, कुछ पता चला? क्या बात है, आप लोग चुप क्यों हैं? बोले भी। करीम जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें हौसले से सुनना होगा। हौसला है तुम्हें? हाँ है हौसला। तमाम सबूतों के बाद ये मालूम हुआ है कि जमान मोटर्स में फहद का कोई हिस्सा नहीं है। 50% तो क्या है, एक आने का भी नहीं है, उसने तो वहां कभी जॉब भी नहीं की। हाँ ये बात जरूर है कि वो सिर्फ तारिक जमान का दोस्त है। रीम, रीम अगर उसने अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाया तो तभी उसका दिल टूटा, ठेस लगी उसके भरोसे को, तभी अंदर टूट फूट होगी और आखिर एक फैसले पर पहुंच जाएगी। सिलेक्टर भी प्लीज अम्मी को कुछ ना बताइएगा, वैसे ही ब्लड प्रेशर की मरीज। नादिया क्या हुआ, हरीम को क्या हुआ? अम्मी अम्मी आप बैठे, कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम तो बकवास कर रही हो, मुझे बताओ क्या बात। बेटा तुम बताओ क्या हुआ, क्या बात है बेटा? आंटी नादिया सही कह रही है, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप खामखा परेशान हो रही हैं, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको जरूर बताती। अम्मी, आंटी, अम्मी, आंटी, अम्मी क्या हुआ है? आंटी, अम्मी, अली, अली अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप गाड़ी निकाल। अम्मी क्या बताऊं सलमा, अल्लाह ने मुझ पे बड़ा करम किया है। अरे अगर जरा सी भी कोई ऊंच नीच हो जाती ना तो भाभी मुझे कभी माफ ना करती। बस मेरे मालिक का मुझ पे बड़ा करम हुआ है, अल्लाह बस तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ, वो हरीम का कोई रिश्ता मिल गया है क्या? ऐसा वैसा
अरे माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लंबा चौड़ा हसीन नौजवान मिला उसे। अच्छा, नादिया की शौहर से भी ज्यादा अमीर है क्या? नादिया का शौहर? अरे उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, पूरे का पूरा खानदान दुबई में है, बहुत अमीर खानदान है उसका। चलो शुक्र है भाभी, अल्लाह बच्चे के नसीब अच्छे करे। सलमा, अल्लाह ने तो मेरी सुन ली, मैंने जब से हरीम को इतना खुश देखा है ना, मैं क्या बताऊं, बस अब अगर मेरा दम भी निकल जाए ना तो मुझे इतना सा भी अफसोस ना हो। अब बड़ी राज की बातें हो रही हैं। भाभी सलमा कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रही थी? नहीं नहीं, वो भाभी ने बड़ी खुशी की बात बताई है। अच्छा, हमें भी तो बताइए वो खुशखबरी क्या है। वो भाभी बता रही है कि हरीम की शादी अमीर कबीर खानदान में हुई है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। क्या काम करता है उसका शौहर? वो उसका ना वो गाड़ियाँ, वो जो शीशे के कमरे में गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, अरे क्या तो कहते हैं उसे, हाँ शोरूम, शोरूम है गाड़ियों का। अच्छा अच्छा, शोरूम। वो बाहर से गाड़ियां मंगवाता है और यहाँ पर बेचता है, और तो और उसके भाई और बाप दोनों का बहुत बड़ा कारोबार है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात। अरे भाभी, आपने हरीम और उसके शोहर को दावत दी है कि नहीं? फहद को तो बड़ा शौक है गांव देखने का, और खासतौर पे वो जगह जहाँ पर हरीम पली बड़ी है, लेकिन मैं भला उसे खुद से कैसे दावत दे देती ना। अरे भाभी, हमारे तो रिवाज है दूल्हा दुल्हन को रिश्तेदार बुलाते हैं, आप ही बुलाए ना। मगर सलमा, मैं कदीर की मर्जी के बगैर तो ऐसा नहीं कर सकती ना। देखिए भाभी, अगर मुझे किसी बात का एतराज था तो सिर्फ ये थी कि वो हमारी खानदानी जायदाद पे नजर रखी हुई थी। अब अगर वो अपने घर की हो गई है और अपनी जिंदगी में खुश है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उससे कोई दुश्मनी थोड़ी है, हमारे घर की बच्ची है, हमारे सामने पली बड़ी है, आप बुलाएं, जरूर बुलाएं। अब ठीक है, मैं सुबह ही फोन कर दूंगी, हम बता दूंगी कि कदीर ने यहाँ बुलाया गांव में उन्हें। मैं हरीम की वजह से बहुत परेशान। अमीर, क्या हो गया आपको? फहद और हरीम को अपने मामलात खुद हैंडल करने दें। मैं कौन सा उनके मामलात में मुदाखलत कर रही हूँ, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो खिंचाव चल रहा है उसका कुछ पता भी तो चले। अरे अभी शादी को दिन ही कितने हुए, ये तो लड़कियों के खुश होने के दिन होते। अम्मी, आप खुद को परेशान मत करें, अली भाई की बात हुई है फहद से। ने मुझे कोई बताए भी तो सही, हुआ क्या है, क्या बात हुई है, क्या बता रहा खिंचाव की वजह? अम्मी, फहद ने अली भाई को बताया है कि फहद पे काम का कुछ दबाव है, और हरीम चाहती है कि इन दोनों की नई नई शादी हुई है तो फहद भाई ज्यादा से ज्यादा टाइम दे। फहद भाई टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, बस इसी बात पर दोनों का झगड़ा है। आप फिजूल में परेशान होती हैं इतना। बेबी, फिर नाराज होना, सॉरी यार। वो क्या ना, आज शोरूम में काम कुछ ज्यादा था। अरे मेरा शोरूम, मेरा मेरे बगैर चल नहीं सकता, यहाँ साइन करो वहां साइन करो, इतना काम के शोरूम ना तो तुम्हारा कोई शोरूम है और ना ही तुम कहीं काम करते हो। मुझे सब पता चल गया, झूठ बोला तुमने मुझसे और कुछ भी नहीं, धोखा दिया तुमने मुझे। तुम्हें फिर किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है और बस कर दो फहद, और कितना मेरी नजरों में गिरोगे तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम होके मुझे धोखे में धोखा दिए चले जाते हो। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ फहद, तुम पे एतबार किया मैंने। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे अपनी सारी असलियत बता दो, मैं कुछ भी करके बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन नहीं, तुमने तो सिर्फ मुझे झूठ बोला था, कुछ नहीं बताया तुमने मुझे। अरे मैंने तुमसे प्यार किया था, शोरूम से नहीं किया था, क्यों नहीं समझ पाए तुम मुझे? बस
मैंने एक बात समझ गया, तुम कानों की बहुत कच्ची हो। अभी फिर किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया और तुम शुरू हो गई। देखो नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए, मैं यहाँ तुम्हारे इश्क में अंधा हुआ चला जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ ज्यादती पर ज्यादती कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ क्या ज्यादती कर रही हूँ, बताओ मुझे। अभी बोलो क्या ज्यादती किया मैंने तुम्हारे साथ? परेशान किया है मुझे। रोज आए देखो तो किसी ना किसी बात पे शक करती रहती हो। शोरूम में जाके मेरे नौकरों से इंक्वायरियां की है तुमने, मेरे बारे में पूछताछ की। अरे यार शोरूम में वो लोग सब मेरा मजाक बनाते हैं और मैं जाता हूँ ना मेरी पीठ पीठ से मुझे हंसने की आवाज आती। तुम्हारे नौकर तुम्हें पहचानते भी नहीं है। अरे वो मैंने मना किया था उन्हें, मैंने भी और मेरे दोस्त ने भी, कोई भी एरर अगर आएगा हमारा किस दिन इसका हालत फटेगा या मेरे कान का पर्दा। क्या हुआ हरी? हरी कुछ तो बोलो बेटा, तुम बताओ मुझे सच सच। तुम यकीन जानो हम तुम्हारा साथ देंगे, बोलो क्या हुआ? झूठ बोला इसने मुझसे, धोखा दिया इसने मुझे, ये दिला दिया इसने मेरे प्यार का। कैसे रखूं हौसला, मेरी बच्ची 4 दिन की दुल्हन, अभी तो उसके हाथों से मेहंदी भी नहीं छूटी थी। जब से उसकी असलियत मुझ पे खुली है तब से खुद से लड़े कि मैं उससे नफरत करूं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। पप्पू के जीते जी हरीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ हाँ जाहिदा तो हरीम से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो भी तो अकल की कच्ची है। ये कहीं कोई रईस कदीर की चाल ही ना हो।